मनीषा रानी ने बिग बॉस के एक फेमस कंटेस्टेंट, एक फेमस सीजन के फेमस कंटेस्टेंट को छोड़ा है पीछे। और यहाँ दोस्तों हम बात कर रही हैं आजिम रियाज की, जो कि हाल ही में बिग बॉस के जितने भी सीजन आए हैं उन सभी के किसी न किसी कंटेस्टेंट पर वो तंज कसते नजर आए हैं और खुद को किंग बताते नजर आए हैं। लेकिन ये क्या हुआ, किंग साहब तो पीछे ही रह गए, और जिनको वो नकारा समझते थे, जिनको वो बेफिजूल समझते थे, वो उनसे आज इतने आगे जा चुके हैं कि आसिम उनके बराबर सैलरी भी अफोर्ड नहीं कर पा रही है। वेल, आपको बता दिया जाए कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 इसमें नजर आने वाली है मनीषा रानी, और सबसे ज्यादा पेड कंटेस्टेंट होने वाली है मनीषा रानी। बता दिया जाए कि बिग बॉस के घर में जहां मनीषा रानी को पर एपिसोड सिर्फ 10 से 20 हजार रुपए मिला करते थे, उन्हीं मनीषा रानी की पॉपुलैरिटी जब शो के दौरान बढ़ी तो वो रुपए हो गए 70 हजार के आसपास। लेकिन अब देखिए, बिग बॉस के बाद जब वो खतरों के खिलाड़ी में नजर आने वाली है तो यहां उनकी सैलरी होगी 8 से 10 लाख रुपए, जो कि सबसे हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट होने वाली है। आसिम रियाज जो कि सीजन 13 के फेमस कंटेस्टेंट रह चुके हैं, इनकी भी सैलरी मनीषा से काफी कम होगी। तो ऐसे में आपके क्या कहने हैं कमेंट सेशन में बताइएगा जरूर, जो मनीषा लगातार बाजी मारती नजर आ रही हैं। और इसी तरह से बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।